भारतीय काफी लंबी। वायुसेना 1932 में स्थापित हुई थी, उसके बाद 2023 में ये हमारा 91st एनिवर्सरी है भारतीय वायुसेना की। इसको सेलिब्रेट करने के लिए हमने प्रयागराज में एक बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया था, जिसमें एयर डिस्प्ले तथा आकाशगंगा डिस्प्ले दोनों था। प्रयागराज में यह इवेंट करने के बाद दरभंगा के लिए हमने रिक्वेस्ट किया था, जो हमारी मांग पूरी हो गई, हमारी रिक्वेस्ट पूरी हुई, इसमें कि टीम को भेजा गया यहाँ पर डिस्प्ले करने के लिए। भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना, तीनों को मिला करके एक बनाई गई है कि हर तरह के ऑपरेशंस जो हवा हैं उसमें पूरी तरह से निपुण है। अलग अलग ऑलरेडी ये डिस्प्ले दरभंगा में 2014 के बाद यह पहला ऑप्शन है जहाँ इन्होंने अपना प्ले मेन भारतीय वायुसेना का है इस डिस्प्ले का, कि हमारे यू जो देश के हर कोने में है बारे में नहीं पता है तथा जागरूकता नहीं है, उनको भारत बताना डरने के लिए जो सैनिक उनको तथा हम भारतीय वालिटीज़ हैं उनको। कितना कितने लोगों की टीम? टोटल 10 लोगों की टीम में जिसको लीड कर रहे थे हमारे विंग कमांडर राहुल झा, जो कि एक पैरंप इंस्ट्रक्टर हैं, जो भी तथा नेवी तथा एयरफोर्स के जो कमांडोज होते हैं उनको ट्रेन करने के लिए, बस यही है। कौन कौन लोग? बच्चे लोग? बच्चे केंद्रीय विद्यालय NCC के रही थी इस इवेंट में, जो कि 20 अक्टूबर है दरभंगा के पोलो सराय के पास जो पोलो ग्राउंड इवेंट, वहां पर भी, जो कि बाकी तथा जितने भी दरभंगा में रह रहे हैं वो आना चाहते हैं वो आकर के डिस्प्ले में, ये ओपन फॉर एवरीबडी, इस डिस्प्ले के माध्यम से हम भारतीय वायुसेना के बचाते हैं। कहाँ? यह कार्यक्रम दे जाता है खासकर जो भारतीय वायु से ऑर्गेनाइज होता है बड़े लेवल पे, ये अभी 8 अक्टूबर को प्रयागराज में ऑर्गेनाइज किया गया था। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।